नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। इस वक्त हम लाइव हुए हैं थर्मल प्लांट से और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो पाइपलाइन है राख, जिसके अंदर पानी के प्रेशर के साथ झील में भेजी जाती है, वो पाइपलाइन पूरी तरह से वो लीक हो चुकी है और कई घंटों से ये पानी चल रहा है। यहाँ पर दो जगह से हम आपको बता दें कि ये पाइपलाइन लीक हो गई है और पानी फैलता जा रहा है और फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि ये विभाग के नॉलेज में बात है कि नहीं जो इसकी देखरेख करते हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो थर्मल के पास से होकर गुजर रही है ये पाइपलाइन, ये अब लीक हो चुकी है। कई घंटों से ये लीक हो चुकी है और थोड़ी जानकारी इसकी हम बता दें कि थर्मल के पास जो ये इन पाइपों से राखी पानी के प्रेशर के साथ झीलों में भेजी जाती है, ये झील में डलती है और इस तरह की कई यूनिट जो है थर्मल में लगी हुई हैं पाइपलाइन की। और जानकारी ये हमें मिल रही है कि ये जो पाइपलाइन है इनकी कई यूनिट बंद पड़ी हुई थी, अब पूरा प्रेशर जो है एक ये जो पाइपलाइन गुजर रही है इस पर है, इसकी वजह से अब इस पर प्रेशर ज़्यादा है, लीक होने का ये कारण हो सकता है। हालांकि जैसे ही इसके विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला पहुंचेगा, लाइव वीडियो करने का हमारा उद्देश्य यही है क्योंकि अधिकारी हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है, कहीं वो इस वीडियो को देखें तो इसका समाधान ज़रूर किया जाना चाहिए। और हम आपको बता दें कि पिछले दिनों पाइपलाइन जो है, जो कई यूनिट हम बता रहे हैं कि थर्मल में कई यूनिट है इस तरह की पाइपलाइन की, उनको चुरा लिया गया था। 2.5 से 3 किलोमीटर तक की पाइपलाइन जो है चोरों ने चुरा ली थी, हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। और लेकिन ये बड़ी लापरवाही है कि इतनी बड़ी पाइपलाइन चोर बार बार काट काट कर उसको ले जाते रहे, क्योंकि वो खाली थी उस वक्त, उसमें काम नहीं चल रहा था, इस तरह की राखी को जो है भेजा नहीं जा रहा था, जिसके चलते जो है चोर इसको चुरा कर ले गए थे। हालांकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दो तरफ से ये पाइपलाइन जो है लीक हो गई है और पानी जो है आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भर चुका है। बताया जा रहा है कि कई यूनिट हैं जो अब वो बंद पड़ी हैं और एक जो ये पाइपलाइन की यूनिट है इसी में से ये रखी जाती है पानी के प्रेशर की वजह से। अब ये लीक हो गई है तो इसकी वजह से यहाँ पर पानी पानी भर गया है। और हम आपको बता दें कि पिछले दिनों चोरों ने चुरा लिया था पूरी पाइपलाइन 2.5 से 3 किलोमीटर की। बड़ी लापरवाही है कि अधिकारियों का इस पर कोई ज़्यादा देखरेख नहीं की जाती है, लापरवाही देखने को मिलती है। और ये पाइपलाइन जो है अब यहाँ से लीक हो गई है, अब देखने वाली बात होगी कब तक इसका समाधान किया जाएगा। पहले ही इस एरिए में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और अब ये प्रेशर से जो है राख यहाँ पर लीक हो गई है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि ये वीडियो अधिकारियों तक पहुंच सके और इस पर कार्रवाई की जा सके, इसको ठीक किया जा सके, क्योंकि कई घंटों से जिस तरीके से यहाँ पानी बह रहा है, कई घंटों से ऐसा लगता है कि ये पाइपलाइन लीक है। थर्मल के पास से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो राख से भरी पाइपलाइन है वो लीक हो गई है। और हम आपको बता दें कि जो पाइपलाइन, ये पहला ऐसा केस नहीं, इससे पहले भी जानकारी हमें है कि ये लीक हो गई थी और जो है ये राख से भरा हुआ पानी जो किसानों के खेतों में जा रहा था और फसल इससे ख़राब हो जाती है, ऐसा बताया गया है कि ये पहले भी लीक हो गई थी और किसानों के खेतों में ये जा रही थी।